नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको चंदन के बारे में बता रहा हूँ। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये चंदन का पौधा है और इसको मैंने सीड से ग्रो किया है। मैंने सीड लगाया था लगभग इसको 6-7 महीने हुए हैं। 6-7 महीने पहले मैंने इसका सीड लगाया था और आज देखिए कितना बड़ा हो चुका है। ये देख रहे हैं, इतना बड़ा हो गया है चंदन। वैसे चंदन के बारे में वैसे तो आप सभी जानते हैं, फिर भी मैं आपको चंदन के बारे में बता देता हूँ। चंदन का यूज़ तेल बनाने में, धूप बनाने में, औषधि मतलब जैसे मेडिसिनल यूज़ के लिए, और इत्र बनता है इसका बहुत ही सुंदर, बहुत ही खुशबूदार। और इसके अलावा जैसे फेस क्रीम, फेस पैक वगैरह बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। और इसका जो लकड़ी का जो तना होता है, देखिए अभी तो इसका ट्रंक देखिए काफ़ी पतला है, अभी कच्चा है, चंदन कच्ची लकड़ी है। अब जब ये पक जाएगा तो ये साइज़ का इसका तना हो जाएगा और उसके तीन भाग किए जाते हैं, बाहर के और जो सेकंड जो अंदर का जो भाग है उनसे तो खिलौने बनाने में या सुगंधित कोई घर में सजाने की लकड़ी की चीज़ें बनाने में काम में लिया जाता है। और बीच का जो सबसे सेंट्रल जो पार्ट होता है वो खुशबूदार होता है, वो सबसे ज़्यादा खुशबू होती है उसमें, तो उससे मेडिसिन के लिए यूज़ किया जाता है और भगवान को चढ़ाया जाता है और माला बनती है, इस तरह से इसका यूज़ है। इसके अलावा इसका चंदन का तेल जो निकलता है, चंदन का तेल मार्केट में मिलता है 1 लाख रुपए लीटर, 1 लाख रुपए पर लीटर इसका तेल बनता है, मिलता है मार्केट में। तो इसको लगाने का कोई ख़ास सीज़न नहीं है, वैसे भी रेनी सीज़न है तो इसमें आप लगा सकते हैं। वैसे आज 16 अगस्त 2017 हो गई है, पर फिर भी अभी भी आप इसको लगा सकते हैं। मेरा सबसे फेवरेट प्लांट है और इसमें साल में 2 बार फ्लावरिंग होती है, 2 बार इसके सीड वगैरह फ्लावर वगैरह बनते हैं, फ्रूट बनता है, इसमें से सीड निकलते हैं। और ये साइज़ का इसका सीड होता है, अभी सीड मेरे पास पड़े हुए हैं, अंदर पड़े हुए हैं, तो उसके लिए भी मैं सारे सीड कलेक्शन का जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको सारा दिखाऊंगा। तो अभी हम बात कर लेते हैं चंदन के बारे में। तो चंदन का लगाने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप जब चंदन लगाएं तो चंदन के पास में भी कुछ पौधे या पेड़ लगाएं, क्योंकि चंदन की जो ग्रोथ है उसकी जो जड़ें हैं वो दूसरे पौधों की जड़ों में मिलकर जो दूसरे पौधे हैं उनको उनसे अपना खाना लेती हैं, उनसे इसको चंदन को पोषण मिलता है। तो इस पर में आप ध्यान रखें, चंदन भी 2 तरह का होता है, एक तो ये सुगंधित चंदन जो होता है वो सफ़ेद चंदन होता है और एक होता है लाल चंदन। ये देखिए ये वाला, इसके आसपास में पौधे लगाने की ज़रूरत नहीं है पर मैंने तो इसे लगा रखा है। आज हम इसी के बारे में बात करते हैं, चंदन के बारे में। तो इसको अभी तो मेरे पास सीड अभी बाहर तो है नहीं, मैं भी मेरा ये छोटा सा एक लॉन है इसमें मैंने ये लगा रखा है चंदन का पौधा। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें तो मुझे और हौसला मिलेगा और मैं नए नए वीडियो आपको बना के अपडेट करता रहूँगा। और इसके सीड जो हैं मेरे पास पड़े हुए हैं तो इसके लिए मैं सीड कलेक्शन का अलग से एक वीडियो बनाऊँगा, तो उस वीडियो में आपको सारे सीड किस तरह कैसे होते हैं और किस तरह से उसको लगाया जाता है इसके बारे में बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।